मैंने ना बहुत बड़ा स्कैम कर रखा है टाटा के साथ। जो टाटा के शोरूम वाले ना वो भी देख के थोड़े अचंभित हो गए कि भाई ये कैसे क्या कर दिया। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले टाटा एल्ट्रोज के बारे में। तो आज हमारे साथ है विपिन भाई, जो की अपने टाटा एल्ट्रोज का ओनरशिप रिव्यू शेयर करेंगे। तो विपिन भाई, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। तो भाई, आपने गाड़ी कब ली थी? भाई साहब, ये ली थी मार्च 2021 में। तो उस टाइम पे तो और भी गाड़ी थी ऑप्शन में, i20 थी, बलिनो थी, तो फिर आपने यही क्यों ली, मतलब एल्ट्रोज ही क्यों? एल्ट्रोज ही क्यों, इसका मेन रीजन था तो सेफ्टी। अच्छा, और दूसरा प्राइस। अगर हम बलेनो का लेते डेल्टा मॉडल, वो 7.5 के आसपास था। तो ये कौन सा मॉडल है वैसे? ये है इसका एक्सीरिदम। एक्सीरिदम, एक्सीरिदम बेस मॉडल। और इसमें जो रिदम है उसमें आपको एक तो चीज एक्स्ट्रा मिलती है, तीन चीज। जैसे एक तो ये होगी सबसे पहले तो। अच्छा, ये चाबी। हाँ, ये चाबी। ठीक। और एक इसमें डबल हॉर्न है। ठीक है, वो सब आप आगे बताइए कैसे कुछ काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में तो थी यार, जैसे i20 थी, i20 काफी अच्छी गाड़ी है, बलिनो होगी एवरेज, जैसे कि इंडियन मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग तो एवरेज काफी प्रेफर करते हैं हम। बलिनो तो जीरो स्टार रेटिंग है। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरी बात होगी i20 की, तो उसका जो मैग्ना मॉडल था वो भी समथिंग 8 लाख के अराउंड था। अच्छा, तो लेने का कोई फायदा था नहीं ऐसा। और ये हमारा, ये कितने की पड़ी आपको ऑन रोड? ये पड़ी थी 670 के आसपास। 670 की ऑन रोड, सही है भाई। तो भाई, अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज कितनी दे देती है? एवरेज हाईवे पे और सिटी के अंदर दोनों की पे डिपेंड है। हाँ, अगर हम इसको ठीक ठीक चलाते हैं ना, 80-90 के अराउंड, तो ये एवरेज आपको दे देगी 18 से 19-20, इतनी दे देगी हाईवे पे। और सिटी के अंदर? सिटी के अंदर 15 दे देगी, 15-16। तो विपिन भाई, अब ये बताओ, आपने एक्स ही रिदम ही क्यों ली? XMB तो था इसके ऊपर वेरिएंट जो ना, देखो कोई फीचर एक्स्ट्रा तो था नहीं। हाँ, उसमें खाली XM में एक तो चारों पावर विंडो आ गई। हाँ, और ये आपके RVM है ना, साइड मिरर। हाँ हाँ, इनकी एडजस्टमेंट थी। अच्छा, बाकी उसमें आपको की भी ऐसे नहीं मिलती थी रिमोट वाली, उसमें आपको नॉर्मल की मिलती थी। इसके साथ रिमोट वाली है पर? हाँ, इसके साथ रिमोट वाली थी एक्स रिदम के साथ। और जो XC बेस मॉडल है वो तो लेना कोई फायदा था नहीं, फिर बाद में काम करवाते रहो और सारी गाड़ी आवाज करती रही कहीं ऐसी आवाज। ठीक है, तो विपिन भाई एक बार ये बताइए, आपने कितने किलोमीटर चला दिया? आपने खुद कितने किलोमीटर चलाई है? ये खुद सारी मैंने चलाई है, 8000 के राउंड। 8000 के राउंड, जिसमें आपने सिटी में भी चलाई होगी और हाईवे के ऊपर भी। तो हाईवे के ऊपर स्टेबिलिटी कैसी इस गाड़ी की? अच्छी स्टेबिलिटी, मतलब अच्छी को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। चलने में बढ़िया है गाड़ी है। हाँ, चलते टाइम सेफ फील होता है? हाँ, एकदम सेफ फील। आप इसकी एक बार, हाँ बिल्कुल, चलो इसकी खिड़की खोल के देखो, आपको पता लगेगा कि जैसे मारुति का जो ओनर हो, i20 ओनर हो, काफी सॉलिड सा है आइटम। देखिए बिल्कुल, वो तो खोलते टाइम ही पता लग रहा है भाई। ये अगर बॉडी की बात करें तो बलिनो वगैरह का तो बिल्कुल बिल्कुल पतरा लगता है इसके सामने, बिल्कुल पतरा। तो बलिनो को तो ये दब जाता है ना इसे? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ बलिनो की कहानी की, भाई बलिनो क्यों नहीं ली। बलिनो की क्वालिटी एक तो एकदम जीरो है। और उसके अगर मैंने एक दोस्त के पास थी, तो जैसे चलते चलते गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया। हाँ, तो कुत्ता आ गया तो उसका बम्पर निकल गया, गिर गया। और इसका इतना सॉलिड है कि थोड़ी बहुत टच वगैरह भी हो जाती ना, तो कोई फर्क नहीं ना। इसकी गाड़ी सॉलिड तो है, टाटा की देखे हैं एक दो बीच में मैंने, सोलिड भी सॉलिड नहीं है भाई साहब। ये एक तो आप इसकी लुक देख रहे हो, बिल्कुल भाई साहब, लुक बलिनो हो या कतई जहर, कतई जहर, आगे से हो या पीछे से हो, बिल्कुल भाई, साइड से हो। हाँ, तो ये अंदर से हो जी, बाहर से हो, ठीक है। इंटीरियर देखते हो अगर आप इसका, चलो इंटीरियर भाई, इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे काफी स्पोर्टी इंटीरियर यहाँ पे मिल जाता है अपने को एल्ट्रोज के अंदर। ये नहीं कि i20 है बलेनो की तरह। हाँ बिल्कुल, जो काफी टाइम से जो चलता रहा इंटीरियर भाई, है ना। तो यार इंटीरियर अब गाड़ी के अंदर तो हम आए गए हैं, तो एक बात और बताओ मेरे को, जैसे i20 को मैं खुद ऑन करता हूँ तो उसका म्यूजिक सिस्टम काफी बढ़िया है, तो इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है, मतलब आपने यूज किया? बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल। तो एक बार आप चेक कराओ यार कैसा है म्यूजिक सिस्टम। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये रिदम मॉडल है, बिल्कुल। तो इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम, हाँ, फोर स्पीकर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको ऐसी गियर नॉब मिलेगी, बिल्कुल, जो बेस मॉडल होगी इसमें ऐसी नहीं मिलेगी, बेस में ऐसे नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका हॉर्न फिर से बजाओ, डबल हॉर्न, बिल्कुल डबल हॉर्न है, काफी बढ़िया लग रहा है सुनने में। तो बार यार म्यूजिक चला के दिखाओ, आपके म्यूजिक साउंड कैसा है इसका? तो भाई ये है टाटा एल्ट्रोज का साउंड सिस्टम।
तो भाई मेरे को नहीं पता आपको वीडियो के अंदर कैसा साउंड सिस्टम दिखाई दिया, कितनी साउंड आई है आपके पास, पर भाई असलियत में बहुत गजब का साउंड यहाँ पे है। i20 तो मतलब रेस में है ही नहीं, है ही नहीं। i20 बलेनो होगी या इसके कंपैरिजन में कोई भी होगी गाड़ी, बलेनो होगी, i20 होगी, फोक्सवैगन की पोलो होगी, वो तो मतलब ना के बराबर ही होगी। डिमांड में है नहीं बिल्कुल, तो एक दो गाड़ियां हैं। तो यार अभी गाड़ी के अंदर जैसे बैठे हम, गाड़ी स्टार्ट करी है आपने, तो आप जब गाड़ी चलाते हो तो इंजन नॉइस की आपने कभी कमी महसूस करी इसके अंदर, क्योंकि 3 सिलेंडर गाड़ी है ये? भाई मेरे को तो लगी नहीं, मतलब कोई वाइब्रेशन वगैरह गाड़ी के अंदर? गियर वेयर पे दिखाओ, गियर नो थोड़ी सी रेस दियो एक बार आप भाई, सब वाइब्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं लग रही यहाँ पे। 3000 RPM तक जा चुकी है और बिल्कुल कोई भी यहाँ पे वाइब्रेशन है नहीं, कोई स्टीयरिंग का आप फील कर रहे हो? बिल्कुल भाई सब, कोई भी यहाँ पे है ही नहीं वाइब्रेशन, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। डन। तो भाई साहब जैसे मैंने आपको बताया था कि XM और XC Rhythm में क्या क्या डिफरेंस है, हाँ? तो मेन डिफरेंस देखो, इसमें आपको 2 पावर विंडो मिलेंगे बस। अच्छा। और आपको ये ORVM स्टीरियो असिस्टेंट वगैरह कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? और जो XM वेरिएंट है उसके अंदर ये सब पावर विंडो वगैरह है। अच्छा। बाकी मेरे हिसाब से तो कोई है ना जो पावर विंडो वगैरह कोई काम की है नहीं पीछे वाले, कोई खोलता नहीं गर्मी में, नहीं खोलता कोई सर्दियों में, नहीं खोलता। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खोलते नहीं भाई बिल्कुल। ये तो फिर वही बात है ना कि भाई ये मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फिर तो भाई तो कुछ भी ले लो उसमें भी कमी कट जाएगी। 10 लाख रुपए में बिल्कुल सही बात है। एक बात बताओ अभी आप मेरे को, अगर आज के दिन आपको कोई गाड़ी खरीदनी हो या फिर मेरे को कोई गाड़ी खरीदनी है, तो आप सजेस्ट करते हो कि मेरे को एल्ट्रोस लेनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि i20 का भी नया मॉडल आ चुका है, ठीक है? एक टाटा की नई गाड़ी आ गई टाटा पंच, जो कि वो भी 5-स्टार गाड़ी है, ठीक है ना? तो आप क्या मतलब क्या रिकमेंड करते हो, एल्ट्रोस लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए या फिर पंच या कोई और? आज भी मेरे को अगर गाड़ी लेनी हो ना तो मैं टाटा एल्ट्रोस ही लूंगा। कोई खास वजह? मैं बताता हूँ ना, इसमें एक तो स्पेस ज्यादा है पंच से, बिल्कुल वो भले ही ऊंची है वो थोड़ी छोटी छोटी है, ठीक है? रियर स्पेस थोड़ा ज्यादा है, हाँ स्पेस ये तो है ही गाड़ी है, और दिखने में भी थोड़ी अच्छी है ये हैचबैक बिल्कुल। और उसके बाद i20 तो ज्यादा कॉस्टली जाती है, i20 हाँ महंगी पड़ती है, लगभग 2 लाख महंगी पड़ती है। हाँ 2 लाख बिल्कुल। तो भाई साहब मैं आपको है ना देरी से बताऊंगा, एक मैंने ना बहुत बड़ा स्कैम कर रखा है टाटा के साथ, जो टाटा के शोरूम वाले ना वो भी देख के थोड़े अचंभित हो गए कि भाई ये कैसे क्या कर दिया, ऐसा क्या स्कैम कर दिया भाई आपने? ऐसा है ना जैसे जो XC Rhythm है ना इसमें व्हील कवर तो आते नहीं, तो मैंने ना व्हील कवर लाया मैं करोल बाग से 800 रुपए की, मैंने उस पे टाटा का लोगो छपवा दिया। देखा भाई सर्विस करवाने गए ना तो बोले सर ये कैसे, ये ओरिजिनल है भाई, ठीक है? चलो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। दिखाओ भाई सर, चलो तो ये व्हील कवर कह रहे थे आप, और ये लोगो जो है आपने बाद में लगाया है? पर लगता नहीं ना कोई, टाटा के साथ स्कैम कर दिया भाई ने। अच्छा जब टाटा सर्विस सेंटर की तो बात हो ही रही है, तो एक बार लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि जब आप गाड़ी की सर्विस कराते हो या फिर सर्विस सेंटर में लेके जाते हो इसको, तो उस टाइम का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है, मतलब टाटा की सर्विस कैसी है? ठीक ठीक है, मतलब ठीक ठीक, मतलब 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 8 नंबर, तो फिर भी काफी बढ़िया ही होते हैं। बस ठीक है हमारे लिए, मतलब कोई ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते? हाँ बस ऐसा क्यों? तो दिक्कत हो गई थी भाई, जैसे मैं सर्विस कराने गया था तो क्या हुआ कि ना जैसे सर्विस में ना अंडर बॉडी वॉशिंग भी होती है, हाँ हाँ, तो भाई गाड़ी उन्होंने लगा रखी थी वॉशिंग पे और बिना नीचे से वॉशिंग करे हुए गाड़ी बाहर निकालने लग गए, ठीक है? भाई वॉशिंग क्यों नहीं करी? तो बोले सर हमारी है ना मशीन खराब हो रखी है, तो मशीन में थारी खराब हो रही है, हमारी थोड़ी हो रही है, हम डेली डेली आवा। सही बात है, सही बात है भाई, नहीं बिल्कुल सही बात है भाई, चीज का गुस्सा दो बिल्कुल। फिर भाई तो फिर आपने जब उनको बोला कि मेरे को तो साफ, फिर उन्होंने कोऑपरेट किया और एक वॉशिंग हमें फ्री लिख के दे दी, आगे कभी भी करा सकते हो। फिर आपने कराई कि नहीं कराई? ना वो अभी कराई नहीं है। अच्छा कराओगे? अभी जाएंगे, थोड़ा दूर पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, टिपिकल इंडियन, कराएंगे जरूर, कराएंगे जरूर, लिख रखी है तो बिल्कुल कराएंगे। वैसे वो 700 रुपए देते हैं वो सिंह। तो ठीक है विपिन भाई, आपके साथ वीडियो बनाकर काफी अच्छा लगा, तो आप कुछ हमारे व्यूअर्स को कहना चाहोगे? मैं तो ऐसा, अगर कोई भी गाड़ी मान लो लेना चाहे तो 7-8-10 लाख तक की कोई गाड़ी लेना चाहे, तो आप क्या मतलब कुछ सजेस्ट करना चाहो हमारे व्यूअर्स को? अगर हैचबैक नहीं है ना, हाँ, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी तो हैचबैक कोई है नहीं। ठीक है,
एक बार आप सिर्फ दो मिनट का ना एक ओवरव्यू दे दो अपनी गाड़ी का, कि मतलब अगर ले रहे हैं कोई भी तो इसको मतलब कोई खास वजह, क्योंकि पूरी वीडियो क्या पता कोई देखे ना देखे उस टाइम पे। आप एक बार यहाँ खड़े हो गए, बिल्कुल देख लिया व्यू, लुक वाइज तो भाई सब इससे ऊपर कोई है नहीं आज तक अंदर, बिल्कुल मान गया आपकी बात। सेफ्टी वाइज भी बिल्कुल फाइव स्टार रेटिंग है, इंडिया की पहली फाइव स्टार गाड़ी यही थी मेरे ख्याल से, है ना। इसके बाद तो पंच भी आ गई है अभी, टाटा तो भाई खुद का लो इतना है। ठीक है भाई साहब, तो ठीक है गाइज, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।